ABPS News। नमस्कार, एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हैं रश्मि के साथ। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में उपस्थित है किशन लाल राजपूत जी, 128 विधानसभा बरखेड़ा कला जनपद पीलीभीत से। तो आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इनके साथ। आज हम इनसे बात करेंगे गाँव से समस्याओं के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं विधायक जी से। जी हाँ विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। तो विधायक जी, हम आपसे बात करेंगे अभी गांव में क्या मौजूदा स्थिति क्या है गांव की और पहले क्या थी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए कल पूरा एक वर्ष हो गया हम लोगों के विजयी होने के बाद में। गांव में जो पहले स्थिति थी और अब में बहुत अंतर है। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, यानी कि हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति, हर समाज, हर संस्कृति, सबका विकास करने का हमारी पार्टी का ये नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। दूसरा नारा था हमारा, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो इन दोनों नारों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। पहले से किसान, ग्रामीण क्षेत्र के लोग सभी खुशहाल हैं और हर प्रकार से अपनी फसल को आगे बढ़ाने में, उसको उपज को बढ़ाने में आगे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जी हाँ विधायक जी, अगर हम बात करें गांव में होने वाली शौच के बारे में, तो इसके लिए आपकी सरकार ने कुछ खास कदम उठाए थे, इसके लिए आप हमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले भारत को स्वच्छता की ओर ले जाने का प्रयास किया, हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया और ब्लॉक लेवल से जिला स्तर तक प्रत्येक गांव ODF किए जा रहे हैं। ODF का मतलब है खुले में शौच से मुक्ति। खुले में शौच जाने के लिए जो लोग गांव में खुले में शौच जाते थे, तो ब्लॉक स्तर की पंचायत राज अधिकारी के द्वारा सीटी बजा करके जो लोग खुले में शौच जाते थे उनको पुनः इस बात के लिए सचेत किया जाता था कि हम मौजूद हैं, आप खुले में शौच नहीं करेंगे, आपके घर में शौचालय बना हुआ है तो उस शौचालय का प्रयोग करें। तो पहले से और अब में बहुत अंतर आया है और इस अंतर के द्वारा जो बहुत सारी बीमारियां थीं वो अब बीमारियां बहुत कम होती चली जा रही हैं, ऐसा हमारा मानना है। हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जी हाँ विधायक जी, अगर हम देखें कि अगर स्वास्थ्य को लेकर अभी भी गांव में बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम देखते हैं कि किसी की तबीयत अगर बहुत खराब हो जाती है और अचानक से उसे 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर की यात्रा करके एक अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, फिर वहां जाके चेकअप कराना होता है और पता नहीं रास्ते में एक तो सड़क की ऐसी व्यवस्था सही नहीं है जिससे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप निजी अस्पतालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब हमें उत्तर प्रदेश में 17 सालों के बाद में हम लोगों को जो विरासत मिली, तो वो विरासत बहुत ही खस्ता हाल थी। कहते हैं ना कि सड़कें तो थी नहीं, गड्ढों में सड़कें थीं। जब गड्ढों में सड़कें थीं तो हमारे योगी जी ने सबसे पहला काम गड्ढा मुक्ति का किया। सबसे पहला काम गड्ढा मुक्ति के करने के बाद में जितनी सड़कें थीं उनको गड्ढा मुक्त किया, जिससे आने जाने के साधन सुलभ हुए। कोई गरीब व्यक्ति रात में 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे अगर बीमार हुआ तो वो गड्ढा मुक्त सड़कों से अपने वाहन द्वारा, चाहे ट्रैक्टर के द्वारा, बस के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, CSC और PSC जो पहले बिल्कुल पूर्णतया बंद थीं, जहां पर सरकारी डॉक्टर्स जाते ही नहीं थे, अब हमारी सरकार में CSC और PSC पर डॉक्टर लोग नियमित रूप से बैठ रहे हैं, सबको दवा आराम से मिल रही है, सब स्वस्थ हैं और आगे इसमें और तेज़ी से प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुधार हों।
जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ये। अगर हम लोग गरीबी की बात करें तो अभी भी देखा जा रहा है कि गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि अभी बहुत लोगों को छत नहीं है, बहुत लोग नीचे सो रहे हैं, उनके उनको खाने के लिए खाना नहीं है। तो आपकी सरकार इसके लिए कुछ खास कदम उठा रही है या फिर इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार का पुनः वही मैं नारा दोहराऊंगा, सबका साथ और सबका विकास। इससे पहले की जो सरकारें थीं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए आवास दिए हैं। हमारी सरकार जो वास्तव में गरीब है, जो लाइन लगी हुई है, बिल्कुल आखिरी लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको कोई नहीं देख रहा है, हम उस व्यक्ति पर नज़र डाल रहे हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर जब मुस्कान आएगी तभी हमारे चेहरे पर मुस्कान आएगी। अभी एक वर्ष के कार्यकाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने 8 लाख से ज़्यादा आवास ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को उपलब्ध कराए हैं। तो हम आगे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो गांव में अभी बिजली मिल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इससे पहले की जो सरकारें थीं 4 या 5 जनपदों में बिजली जाती थी। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे ही बनी पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय पे 24 घंटे और तहसील मुख्यालय पे 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की बिजली पूरे क्षेत्र में दी जा रही है। हमारी जनता बहुत ही खुश है। चाहे आप किसी भी ग्रामीण व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई पहले से और अब में बिजली में कोई परिवर्तन है, तो वो हाथ उठा के कहते हैं कि हाँ साहब, बिजली तो मिल रही है। जब बिजली मिली तो हमारा ट्यूबवेल भी चला, हमारा जनरेटर स्टार्ट हुआ, थ्रेसिंग भी हुई, ऐसे बहुत सारे काम जो बिजली के ऊपर थे वो किसान भाइयों को इसमें बहुत बड़ी उपलब्धता हुई है। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में और सारे राज्यों का कंपेयर अगर करते हैं हम लोग, तो किसानों को खाद्य में कम से कम 32 से 35 रुपए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपकी सरकार कोई खास कदम उठा रही है या नहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल। इसमें हमारी सरकार जो पहले से दरें बढ़ गई थी, अब धीरे धीरे जैसे ही बिजली का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यूनिट्स और ज़्यादा लगेंगी, तो इसके रेट में भी हम लोग निश्चित रूप से कमी करेंगे। जी हाँ विधायक जी, अगर हम लोग रोजगार की बात करें तो बहुत हम लोग ऐसा देखा जा रहा है कि गाँव में पलायन की जो बात आ रही है कि जितने भी युवा हैं, एक तो उनको रोजगार नहीं मिला है, अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं गाँव में। तो या तो अगर रोजगार मिल भी रहा है तो उनको वहाँ नहीं मिल रहा है, उनको अपना गांव छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिससे रोजगार भी मिले और कोई समस्या भी ना हो? हमारी प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पूरे प्रदेश में हर विभाग का ये सर्वे कराया है कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी हैं, उन वैकेंसियों को निकाल करके और योग्यता के आधार पर बहुत ही जल्दी उन जगहों को फिलअप किया जाएगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और कार्य भी, जो हर पटल का कार्य अधूरा पड़ा रहता था, जब लोग होंगे यानी कि जितने हैंड्स होंगे उतना ही काम जल्दी होगा, तो तभी इन सब जगहों को जल्दी से जल्दी फिलअप करके और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। हमारा भारतवर्ष उत्तर प्रदेश 70% युवाओं का देश है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देंगे, उनके लिए काम देंगे। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया 21 और 22 फरवरी को, जहाँ पर जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, इन्वेस्टर थे, वो उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में लखनऊ मुख्यालय पर इन्वेस्टर समिति का एक आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े इन्वेस्टर आए और वो यहाँ से खुश होकर के गए। उन्होंने कहा कि हमें निमंत्रण मिला है, हमें न्योता दिया गया है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़े बड़े रोजगार स्थित करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, नौजवानों के लिए, योग्यतावान लोगों के लिए रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं किसी काम में आएगा, सरकार की आमदनी भी उससे बढ़ेगी। जी हाँ विधायक जी, सही कहा आपने। और अगर हम बात करें पेंशन से लेके और या फिर विकलांग जितने भी लोग हैं, इनको जो पैसे मिलते हैं, पहले तो हम लोग पेंशन देखें तो पहले शायद 200 रुपए तक थे, अब बढ़कर 500 रुपए हो गए हैं। तो आज इस महंगाई के दौर में आपको क्या लगता है कि उस 500 रुपए से उनका जीवन यापन हो रहा होगा? ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है।
देखिए, जब हमें सरकार विरासत में मिली तो वास्तव में बिल्कुल खजाना खाली था, राजस्व कहीं से कहीं तक वसूला नहीं जा रहा था। हमारे योगी जी ने आते ही राजस्व की रिकवरी के लिए सबसे पहले बढ़ावा दिया, राजस्व बढ़ा। जब राजस्व बढ़ेगा, जब वही बात है सीधी सी कि हमारे मोबाइल में जब इनकमिंग होगी तभी हम आउटगोइंग कर सकते हैं, हमारा खजाना जब भरा हुआ होगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है और पार्टियों के तो घोषणा पत्र होते हैं, केवल घोषणा कर दी उन्होंने लेकिन उसका पालन नहीं किया। हमारी पार्टी का संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र का मतलब है कि जिसका कोई विकल्प ही नहीं होता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम जो लघु सीमांत कृषक हैं उनका 1,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। अब 1,00,000 रुपए के कर्जे में हमारी प्रदेश सरकार पर 36,000 करोड़ रुपए का भार पड़ा, 86,00,000 कृषकों का कर्जा माफ हुआ। जब हमारी पॉकेट में पैसे नहीं थे, हमने वादा कर दिया, हमने उस वादे को निभाया, 86,00,000 कृषकों का हमने 1,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया है। राजस्व की वसूली बहुत तेजी से हो रही है। तो आपने जो प्रश्न किया कि पेंशन 500 रुपए से कैसे जीवन यापन करेंगे, जब निश्चित रूप से राजस्व की वसूली होगी तो हम जो पहले 200 रुपए से 500 हुआ है तो हम 500 रुपए से इसको बहुत जल्दी बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। जी हाँ विधायक जी, आपकी सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक श्री किशन लाल राजपूत जी, जो कि बहुत ही कम शब्दों में और इतने अच्छे से हमें गांव से पूरा रूबरू कराया। तो इनके लिए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो के साइड से। और आज के लिए बस इतना ही, रश्मि को दीजिए इजाज़त।